बना हुआ है। IOCL के अंडर ही आती है प्रॉपर्टी। ये रे वसुदेव भगवान, भाई साहब बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये यूट्यूब वाले, पैसे नहीं देते हैं यार, क्या कराया घर वालों से साले, 50-50 रुपये कब तक मांगते रहेंगे। हे हेलो, व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है ये वाली, क्योंकि हम जिस जगह हम आए हैं वो बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है। बहुत ही अच्छी वीडियो आपको लगने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। शायद मैं बताऊँ, 95% लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता होगा, 99% लोगों को भी शायद नहीं पता हो। तो होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो हम अब जिस जगह आए हैं वो जगह है कोयला घाट, कोयले घाट करके इस जगह को जानते हैं लोग, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, आप में से शायद पहली बार देख रहे होंगे वीडियोस। तो काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है, मैं थोड़ा ब्रीफ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जो है वासुदेव जी कृष्ण भगवान को कारागार से जब लेके आ रहे थे, तो यही वो घाट है जहाँ जमुना जी उन्होंने क्रॉस की थी, ये जगह, इसको कहते हैं कोयला घाट। कोयले का जो मतलब होता है, उन्होंने कहा था वसुदेव जी ने, कोयले यानी कोई मेरे बेटे को मुझसे ले ले, क्योंकि जमुना जी का स्तर जो है ऊपर जा रहा था पानी का। उनको नहीं पता था कि जमुना जी कृष्ण भगवान के पैर छूना चाह रही हैं, पर हाँ जब उन्होंने पैर भगवान के छू लिए तो वो नीचे आ गए। तो ये वो जगह है जहाँ से उन्होंने गोकुल क्रॉस किया था, पीछे जो है उधर गोकुल है। और हम आ चुके हैं इस जगह पे, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ की देने वाले हैं। कोयले घाट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा ब्रीफ दे रखा है, किसने बनवाया किसने नहीं, चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मैंने एक बाहर बोर्ड है आपने देखा हुआ है एंट्री पे ही गेट पे, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। IOCL के अंडर ही आती है प्रॉपर्टी, और द ब्रश फाउंडेशन ने इसका रिनोवेशन कराया, घाट वगैरह बनवाया है, काफ़ी सुंदर। देखिए ये रहा, और बहुत ही सुंदर हमारी जमुना जी यहाँ पे बह रही हैं। सो ये कुछ 2009 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था IOCL द्वारा ब्रश फाउंडेशन के साथ मिलके, ताकि कृष्ण भगवान की ग्लोरी को दोबारा से हम लोगों तक बता सकें, पहुँचा सकें। और काफ़ी सुंदर घाट बना हुआ, मंदिर भी है, और दिखाता हूँ आपको। देखो ये कुछ बना रखा है, ये रे वसुदेव भगवान कृष्ण भगवान, उनको सूप में लेके बैठे हैं शेषनाग ये रे। और ये जो है पूरा डिपिक्ट कर रखा है कि ऐसा ऐसा हुआ था इस जगह पे, तो ये उनकी जो है प्रतिमा बना रखी है भगवान की यहाँ पे। पूरा घाट है यहाँ पे, मंदिर बना रखा है, ये जो है जमुना मैया का मंदिर है, और वहाँ पे जो है शंकर भगवान का भी एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, और एक प्रतिमा तो आपने देख ही ली वसुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान को अपने ऊपर सिर पर उठाते हुए। तो यहीं से जो है जमुना जी, ये रही पीछे हमारे, उधर जो है वो है गोकुल, ये जो गोकुल गाँव है जहाँ से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेके गए थे। हिस्टोरिक प्लेस, 5,500 साल से ज्यादा गोकुल लेके जा रहे थे उनको, तो इसी रास्ते से, इसी रास्ते लेके गए थे, तो इस जगह का नाम इसलिए कोयले घाट पड़ गया। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस जगह के बारे में, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, जानने को मिला, कुछ नई जगह देखने को मिली, आपको भी श्योरली काफी कुछ नया देखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। तो ये जो घाट है, इसके यहाँ से आप एक पाइपलाइन देख पा रहे, पाइपलाइन का पूरा एक ब्रिज है,
IOCL जो है यहाँ से जमुना जी का पानी यूज़ करती है अपनी प्रोसेस रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए या फिर जो भी करते हो बॉयलर्स के लिए, तो यहाँ से जो है पानी जाता है जमुना जी का IOCL के लिए, यहाँ पे बना भी रखा है पूरा वहाँ तक। हम जो है मथुरा रिफाइनरी से अराउंड 3 किलोमीटर अंदर हैं। यहाँ पे जो आने का रास्ता ऐसा टाउनशिप से आप आइए सीधा गूगल मैप्स में, अगर आप कोयले घाट डालते हैं तो कोयले घाट करके मथुरा करके शो करता है, जो कि अराउंड 3.5 किलोमीटर होता है, पर हाँ अप्रॉक्स 3 किलोमीटर भी आप आ सकते हो, भी काफ़ी और भी शॉर्ट रास्ते होते हैं। सो ये है टाउनशिप से जो अंदर आने के लिए आपको 3.5 किलोमीटर समथिंग आना पड़ेगा। IOCL इस जगह को IOCL ने ही बनवाया था और मेंटेनेंस भी जो है ब्रज विकास फाउंडेशन देखती है, काफ़ी सुंदर जगह है, द ब्रज फाउंडेशन देखती है। और जमुना जी बह रही है बहुत ही सुंदर से आगे गोकुल की तरफ, कुछ इस तरह का जो है घाट बना रखा है यहाँ पे। अभी ये काफ़ी गंदगी दिख रही है इस तरफ मुझे, क्योंकि एक तो जमुना जी का पानी का स्तर भी थोड़ा सा कम है, पानी रहता है तो फिर क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा सा गंदा है, पर ये काफ़ी टाइम से शायद इसको साफ़ सफाई नहीं की गई, इधर काफ़ी लोग प्लास्टिक व्लास्टिक फेंकते हैं, ये देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देखो इधर प्लास्टिक वगैरह का कचरा दिख रहा है, सेम हेयर भी प्लास्टिक फेंक रखी है इधर काफ़ी सारी, तो साफ़ सफाई रखनी चाहिए ना कि यार गंदा करना चाहिए। एक्चुअली वैसे ब्रज विकास फाउंडेशन जो है, ब्रज फाउंडेशन देख तो रहा है इस जगह को, पर मेंटेनेंस में लग नहीं रहा कि देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गंदगी है यहाँ पे, देखना चाहिए थोड़ा सा। और प्लस लोकल लोग भी जो लोग यहाँ आते होंगे यहाँ आसपास से ही टाउनशिप से, प्लास्टिक व्लास्टिक ना डालें तो ज़्यादा अच्छा, जमुना जी में जमुना जी पॉल्यूट होती हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे सब देख के इतना। तो हम जा रहे हैं नीचे जमुना जी के पास, घाट है काफ़ी गर्म हो रहा है, पत्थर धूप बहुत तेज है, वैसे सही में गर्म, लेके जाते हैं आप बोट लेके जाते हो? अच्छा, यहाँ से, अरे वाह, रमन रीति के बता रहे हैं कि यहाँ से जाती है सवारी उधर तक। शांति है यहाँ पे, हवा चल रही है, जमुना जी किनारे बैठे हुए हो, क्या ही चाहिए आदमी को जिंदगी, इतना सुंदर जगह एक्सप्लोर करने को हमें मिली, बहुत अच्छा लगा, काफी मतलब एक्सप्लोर करने को हमें इतनी इंटरेस्टिंग प्लेस मिली। और आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी काफी कुछ जान पाए होंगे कि इतनी हिस्टोरिक प्लेसेस हमारे मथुरा वृंदावन में है, बहुत अनडिस्कवर्ड प्लेसेस अभी भी रह गए, कोशिश करेंगे कि हम जब ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको दे सकें, जिससे हम भी एक्सप्लोर करें और आप लोगों को देखने को मिले। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, अगर हो आई होप अगर वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, जैसे यार लोगों को शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय भाई साहब, बहुत ज़्यादा दुखी है, पैसा पैसा कुछ है नहीं, यूट्यूब वीडियो बनाने से पैसा कहाँ से आएगा, ये यूट्यूब वाले पैसे नहीं देते हैं यार, क्या कराया जाए, क्या कराया, घर वालों से साले 50-50 रुपये कब तक मांगते रहेंगे अबे 50 रुपये का पेट्रोल भी नहीं आता, शेयर करने की अपील करो ना, अबे पेट्रोल भी नहीं आता 50 का, अपील करो ना तो शेयर करने की, 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, हाँ जो भी है तू 1 रुपये की लड़ ले भैया, ज्यादा ज्यादा देखो वीडियो को हमारी, शेयर करो, इतनी शेयर करो 2-4 मिलियन छू जाए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब करो करो करो, बड़े दुखी हैं हम, कुछ कह नहीं सकते, कर देना आप तो, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, कैसे कर पता नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई साहब।